तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेटफ्लिक्स के लेटेस्ट 10 मूवीज के बारे में, और इन सारे के सारे मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं, और इन सारे मूवीज को मैंने एमडी के अकॉर्डिंग रैंकिंग की है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पर है वी कैन बी हीरोज, एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसको 4.7 की रेटिंग मिला है। मूवी बेस्ड है कुछ सुपर हीरोज और उनके बच्चे के ऊपर। जब एलियन सुपर हीरो को किडनैप कर लेते हैं तब उनके बच्चे के ऊपर उनको बचाने की जिम्मेदारी आती है। तब वो बच्चे अपने सुपर पावर को यूज करके अपने माता पिता को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मार्वल और डीसी सुपर हीरो पसंद है तो ये सुपर हीरो मूवीज थोड़ी अलग टाइप की है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में आपको इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगे। तो नंबर 9 पर है आउटसाइड द वेयर, एक एक्शन एडवेंचरस फैंटेसी मूवी है जिसको 5.4 की रेटिंग मिला है। मूवी की स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो एक मिलिट्री ड्रोन पायलट की एक गलती की वजह से उसे एक वार जोन में भेजा जाता है। तब कहानी में आती है ट्विस्ट, तब उस ड्रोन पायलट की मुलाकात एक ऑफिसर से होता है जो एक एआई होता है, मतलब एक एंड्रॉइड ऑफिसर, और वो दोनों मिलकर एक न्यूक्लियर अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। ये मूवी एक बेहतरीन मूवी है, आप उसे जरूर एक ट्राई दे सकते हैं। नंबर 8 पर है द मिडनाइट स्काई, एक ड्रामा फैंटेसी साइफाई मूवी है जिसको 5.6 की रेटिंग मिला है। मूवी शुरू होता है ऑगस्टिन नाम के एक साइंटिस्ट से जो अर्थ में अकेले रह रहे हैं क्योंकि अर्थ का एंड हो चुका है। पर तभी उस साइंटिस्ट को अचानक एक छोटी सी बच्ची मिलती है और वो उस बच्ची को उसके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए एक सिग्नल भेजते हैं, और वो सिग्नल स्पेस से अर्थ को रिटर्न करने वाले एस्ट्रोनॉट के पास पहुंचता है, और बस तभी से मूवी में ट्विस्ट आती है। नंबर 7 पर है द क्रिसमस क्रॉनिकल्स पार्ट 2, एक एडवेंचरस कॉमेडी फैमिली मूवी है जिसको 6 की रेटिंग मिला है। ये मूवी क्रिसमस क्रॉनिकल्स का पार्ट 2 है। मूवी की कहानी शुरू होता है केट नाम के लड़की से। अचानक एक एल्फ आकर केट और उसके भाई जेक को अर्थ के एक दूसरे पोल पर छोड़ देता है, और तभी उन्हें सांता बचाने के लिए आते हैं और वो दोनों को अपने घर में ले जाते हैं, और बस तभी कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीज होता है जिसकी वजह से केट और सांता मुसीबत में पड़ जाते हैं। नंबर 6 पर है फाइंडिंग ओहाना, एक एक्शन एडवेंचर और कॉमेडी मूवी है जिसको 6.2 की रेटिंग मिला है। मूवी शुरू होता है पिली नाम की एक लड़की से जो अपनी माँ के साथ अपने नाना का घर को निकल पड़ती है। तब वहाँ पर उससे एक डायरी मिलती है जिस डायरी में एक खजाना का राज छुपा रहता है, और बस तभी से वो और उसके दोस्त मिलकर उस खजाने को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। नंबर 5 पर है जिंगल जंगल एक क्रिसमस जॉनी, एक फैमिली फैंटेसी और म्यूजिकल मूवी है जिसको 6.5 की रेटिंग मिला है। मूवी शुरू होता है दो बच्चों से जिन्हें एक दिन उनकी ग्रैंडमदर एक कहानी सुनाती है, और कहानी बेस होती है एक टॉय मेकर के ऊपर जो बहुत ही कमाल की चीज आविष्कार करता है। लेकिन अचानक एक दिन उस टॉय मेकर के असिस्टेंट उसके बुक चुरा लेता है जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उस टॉय मेकर की ग्रैंडडॉटर आती है, और बस तभी से मूवी में टूट जाता है। तो नंबर 4 पर है स्पेस स्वीपर्स, एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है जिसको 6.7 की रेटिंग मिला है। मूवी स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होता है, अर्थ की लाइफ सपोर्ट खराब होने के कारण कुछ लोग अर्थ के बाहर रहते हैं। तभी विक्टर नाम के स्पेसशिप एक क्रैश स्पेस शटल को पकड़ता है, पर उस स्पेस शटल में उन्हें एक 7 साल की छोटी बच्ची मिलती है। पर अचानक उन्हें यह पता लगता है कि वो छोटी सी बच्ची एक ह्यूमन रोबोट रहती है जो UTS नाम के स्पेस कार का होता है, और बस तभी से मूवी में ट्विस्ट आता है। नंबर 3 पर है हिलबिली एलबिली, एक ड्रामा मूवी है जिसको 6.8 रेटिंग मिला है। ये मूवी जेडी वांस के लाइफ ऊपर बेस्ड है जो एक राइटर रहते हैं। इस मूवी में जेडी वांस के चाइल्डहुड की ट्रेजेडी के बारे में दिखाया गया है। अगर आपको फैमिली और ड्रामा मूवी देखना पसंद है तो इस मूवी को आप एक जरूर ट्राई दे सकते हैं। बेसिकली मूवी में कैसे एक लॉस्ट फ्रेंड एक इमरजेंसी के कारण अपनी फैमिली को रिटर्न करता है, और कैसे अपनी फैमिली की 3 जनरेशन को फेस करता है, उसी के ऊपर बेस्ड है। नंबर 2 पर है द कॉल, एक क्राइम हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसको 7.1 की रेटिंग मिला है। दोस्तों ये एक कोरियन मूवी है, और आप लोग जानते हैं कि कोरियन मूवी हॉरर और थ्रिलर के मामले में बेस्ट होती है। मूवी बेस्ड है दो अलग अलग लड़की के ऊपर, मतलब दोनों अलग टाइम से हैं, मतलब प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन एक कॉल के मदद से वो दोनों एक साथ बातचीत कर पाते हैं, मतलब एक तरह से टाइम ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। फिर एक दिन एक सीरियल किलर कुछ ऐसा चीज करता है जिसके वजह से उन दोनों की लाइफ चेंज रहती है। नंबर 1 फॉर एक मास्टरपीस इंडियन क्राइम ड्रामा मूवीज द व्हाइट टाइगर। मूवी बेस्ड है एक रिच इंडियन फैमिली के एम्बिशियस ड्राइवर के ऊपर। मूवी में रिच फैमिली और पुअर फैमिली के बीच के रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। आदर्श गौरव ने एकदम यूनिक लेवल की एक्टिंग किया है। 21 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है, आप इसे जरूर देख सकते हैं।